हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त सतीश रंजन। स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक मैन्युफैक्चरिंग। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि लगभग हर एम्प्लॉय को पता होना चाहिए जब भी वो किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक हमने चूज किया है वो है इंटरव्यू के प्रिपरेशन के बारे में। इंटरव्यू का प्रिपरेशन किस तरीके से करना चाहिए, किस हिसाब से आपको वो सारी चीजें की जानकारी होनी चाहिए जो जिससे कि आपको इंटरव्यू देने में आसानी हो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग यही सब बातें करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। दोस्तों, आप लोग जब भी कोई इंटरव्यू देने जाते हैं तो आप लोगों को सबसे ध्यान देने वाली बात ये होनी चाहिए कि आप लोग का जो लुक है, जो आपका ड्रेसिंग सेंस है, वो फॉर्मल होना चाहिए। सबसे जरूरी चीज ये है, बिल्कुल फॉर्मल ड्रेस में जाना है आपको, क्योंकि जो इम्प्रेशन होता है आपका, कहते हैं ना कि जो फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन, तो उस हिसाब से आपका लुक होना चाहिए ताकि जब भी आप इंटरव्यूअर के सामने जाए तो वो ये ना कहे कि कैसे लग रहा है, क्या है यार, किस तरीके से चला आया। ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। इम्प्रेशन आपके लुक से ही बनता है। इससे क्या होता है कि इंटरव्यूअर इम्प्रेस होता है। और आपको हाथ में एक डायरी होनी चाहिए। डायरी मतलब आप लोग एक फाइल भी ले सकते हो, फाइल में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए, रिज्यूम होने चाहिए जो कि आपको वहां पे सबमिट करने होते हैं। दोस्तों, हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो होता है कंपनी की प्रोफाइल। जो जिस कंपनी में आप लोग काम करते हैं उस कंपनी की प्रोफाइल, कंपनी का डिस्क्रिप्शन जानना बहुत जरूरी होता है। कंपनी आपकी क्या बनाती है, कौन से प्रोडक्ट बनाती है, कौन से आपके कस्टमर हैं, कितने सप्लायर हैं, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आपकी कंपनी कौन से डॉक्यूमेंट को फॉलो करती है, किस ISO को फॉलो करती है, आपकी कंपनी को कौन कौन से सर्टिफिकेट मिल गए हैं, ये सारी चीज़ें जानना बहुत जरूरी होता है। कौन कौन से प्रोडक्ट बेचती है, कितना टर्नओवर है, क्योंकि इंटरव्यूअर आपकी कंपनी के भी बारे में पूछता है। दोस्तों, जो हमने तीसरा पॉइंट सेलेक्ट किया है वो है जॉब डिस्क्रिप्शन। जॉब डिस्क्रिप्शन मतलब दोस्तों, जैसे आप naukri.com पर जाके किसी कंपनी का जो भी रिक्वायरमेंट होती है उसको आप लोग ओपन करते हैं उस समय, और जो भी डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं कि ये डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, उसके बाद आप लोग अप्लाई करते हैं, तो वो जो डिस्क्रिप्शन होता है उसके बारे में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ के जाना, क्योंकि वही डिस्क्रिप्शन आपसे वहाँ पर भी पूछे जाएंगे इंटरव्यूअर के द्वारा, क्योंकि उनको वही बंदा चाहिए जो ये सब सारी चीज़ों की जानकारी रखता हो। तो इसलिए उस डिस्क्रिप्शन को पढ़ना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो मैंने चौथा पॉइंट सेलेक्ट किया है वो है जॉब रूटीन, डेली जॉब वर्क। आपका डेली का जॉब वर्क क्या है वो आप लोग अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके जाना, क्योंकि वहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, डेली की जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो आप लोग जैसे कंपनियों में होता है कि ये कुछ भी आप लोग करते हो, लेकिन आपको वहाँ पे डॉक्यूमेंटेड थ्रू प्रिपरेशन करके जाना है, वहाँ पे प्रेजेंट करना है आपको कि हम जी ये डॉक्यूमेंट बनाते हैं, ये इंस्पेक्शन करते हैं, ये हमारा जो भी है। लेकिन आप लोगों को ये नहीं करना कि हम लोग वहाँ पे प्रोडक्शन करते हैं, प्रोडक्शन ये मटेरियल ट्रॉली वहाँ पे पहुँचा दिया, ये कर दिया, वो सब नहीं। वहाँ पे आप लोगों को स्टैंडर्ड तरीके से डिस्क्राइब करना है ताकि उसको लगे कि हाँ, इस बंदे को जानकारी है और वो ये सब करता है वहाँ पे। तो उस हिसाब से आप लोग अपने जॉब डिस्क्रिप्शन को तैयार कर लेना। दोस्तों, जो पांचवा पॉइंट मैंने सेलेक्ट किया है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिससे कि आपको इंटरव्यू में गुजरना ही पड़ेगा, वो जो पांचवा पॉइंट है आपका रिज्यूम। रिज्यूम, रिज्यूम में आपने जो कुछ भी लिख रखा है, जो भी लिखा हुआ है, वो सारा चीज आपसे इंटरव्यूअर जरूर पूछेगा, क्योंकि आपने जो रिज्यूम बनाया है मतलब आपको उसके बारे में नॉलेज है, तो इंटरव्यूअर वो चीज़ें जरूर पूछेगा। इसलिए इंटरव्यू देने से पहले आपकी जो रिज्यूम है उसकी फुल स्टडी कीजिए, वहाँ पे कुछ भी स्किप ना करना आप, क्योंकि जैसे आपने कुछ लिख दिया और आप वहाँ पे नहीं बता पाए तो वो यही समझेगा कि आपने कहीं से इसको कॉपी पेस्ट किया है। तो इसलिए दोस्तों, जो भी आप रिज्यूम में लिखे हुए हैं
उनकी प्रिपरेशन बहुत जरूरी है, नहीं तो फिर आप इंटरव्यू में फंस सकते हैं। फंसने का मतलब, जो इंटरव्यूअर है वो सोचेगा कि ये तो बता नहीं रहा है, फिर क्या फायदा इसका, फिर आपसे और एक क्वेश्चन और पूछेगा, फिर देखेगा कि आप जवाब नहीं दे पा रहे हो, तो फिर वही सोचेगा कि ये कॉपी पेस्ट करके लाया है, इसको कोई जानकारी नहीं है, तो आपको रिजेक्ट कर देगा वहां से। इसलिए जो भी रिज्यूम की पॉइंट है उसको बारीकी से ध्यान से पढ़ के सब कुछ जाना, क्योंकि वहां पे आपसे उससे रिलेटेड सब कुछ हो सकता है। आपसे कह देगा, जैसे आपने सेवन क्यूसी टूल ही लिखा हो, उसमें कह देगा वो सेवन क्यूसी टूल कौन है, तो आप तो उसका नाम बता दोगे, लेकिन पूछ देगा कि पैरेटो चार्ट कैसे बनाते हैं, जरा मुझे बना के दिखाओ, यहाँ पे पेन से ही बना लो, बना के दिखाओ। इस तरीके से आपको आनी चाहिए। तो ये थे दोस्तों हमारे 5 महत्वपूर्ण पॉइंट जो कि हमने सेलेक्ट किए थे। जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो इसकी प्रिपरेशन आप जरूर से जरूर करके जाना। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपका प्यार हमें मिलता रहे और मैं भी ऐसी ऐसी वीडियो आप सबके लिए लाता रहूं। थैंक यू।